सी स्टूडेंट्स, न्यू टॉपिक स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए सर्कल. टू गेट एन आइडिया द नंबर टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑन ए सर्कल, लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी. इन्होंने एक्टिविटी बताए, ये मुझे एक बात बताओ, ये एक्टिविटी में जो डायग्राम दिखाई दे रही है आपको, ये एक्टिविटी में जो डायग्राम दिखाई दे रही है क्या है? सर्कल है. सर्कल है, ओके. ये ध्यान रख लेना, ये जब सर्कल है स्टूडेंट्स, ये टेंजेंट है, आप जानते हो. ये देखिए यहाँ पर केस नंबर, अगर डायग्राम नंबर 3 हम देखेंगे तो T1 और T2 क्या है, एक कांटेक्ट पॉइंट है, टू टेंजेंट के, ओके. T1 T2 आर द पॉइंट ऑन द कांटेक्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट PT1 PT2, ओके, रिस्पेक्टिवली. यहाँ पर क्या बता रहा है स्टूडेंट, द लेंथ ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए, द लेंथ ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सर्कल इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट, देखिए फ्रॉम द पॉइंट पी एंड टू द सर्कल. तो चलिए स्टूडेंट्स, ये इतना तो हो गया, ये तो टेंजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है. अब ये थ्योरम हमें दिया गया, तो थ्योरम क्या बता रहा है देखिए स्टूडेंट्स, हम जब इसमें राइट करेंगे इसके अंदर क्या बता रहा है देखिए, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, यानी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये बात ध्यान में रख लेना, वो इक्वल टेंजेंट होंगे. कैसे होंगे बेटा? इक्वल टेंजेंट होंगे. और एक बात ध्यान में रख लेना, यहाँ पर जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पर भी क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा. मान लो सपोज आपको एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, यहाँ पर आपको 105 का मेजरमेंट दिया जाए, ओके, और यहाँ पर आपको टोटल, ये देखो ये जो राउंड है ये टोटल आपको बेटा 80 का दिया जाए. हाउ टू सॉल्व इट, आपको बताइए टोटल एंगल कितने का दिया गया आपको, 90, 105, 80, ये 80 का आपको दिया गया, ये कितने का रहेगा, ये 90 का रहेगा और ये 90 का रहेगा. इन सभी की हम क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे और सॉल्व करेंगे. तो यानी मान लो 4 एंगल तो नहीं दे रहेंगे आपको, इस तरह का एंगल दिया जाएगा 105, ये दे रहेगा, और बोलेंगे एंगल पी फाइंड करो, कौन सा, आर पी क्यू फाइंड करो. तो एंगल आर पी क्यू फाइंड करने के लिए बेटा हम क्वाड्रा एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्वाड्रा एंगल, 4 एंगल को ऐड कर देंगे. तो ये थ्योरम क्या बता रहा है हमें देखिए स्टूडेंट, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये पी क्यू और पी क्यू और पी आर, द ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा हो गया, पी, पी से हमने ड्रॉ किया टेंजेंट, एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, और ये पॉइंट जो इनकी लेंथ होती है ये इक्वल होती है, ये बात ध्यान रखना है. अब चलिए गिवन में क्या बता रहा है, देखिए यहाँ पर सारा का सारा कैसा कर दिया गया, वी आर द गिवन गिवन इन अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड पॉइंट पी लाइंग इन द आउटसाइड ऑन सर्कल एंड सर्कल एंड टू टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर ऑन द सर्कल फ्रॉम पी, ओके, वी आर रिक्वायर प्रूव दैट, हम प्रूव का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, देखो टू प्रूव का ऑप्शन दिया गया, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, यानी गिवन और टू प्रूफ के अंदर दिया गया. अब चलिए अब यहाँ पर हम प्रूफ करने वाले स्टूडेंट, तो प्रूफ का ऑप्शन कैसा दिया, फॉर दिस वी ज्वाइन ओपी, देखिए ये जो डैश दिख रहा है ना, ये ज्वाइन करे हुई लाइन है, ये क्या करे हुए बेटा, ये ज्वाइन करी हुई लाइन है, ये बात ध्यान में रख लेना. तो हमने कंस्ट्रक्शन किए यहाँ पर, ज्वाइन किए ओ क्यू एंड ओ आर, ओके, नाउ ओपी ऑल्सो ज्वाइन, ओपी ऑल्सो ज्वाइन, देन एंगल, देखिए उसके बाद में जब हमने इनको सभी को ज्वाइन कर दिया, किसको किसको ज्वाइन किए, ओ क्यू ओ आर एंड पी पी ओ, जब हमने इसको ज्वाइन कर दिया बेटा तो हमें एंगल मिल रहा बेटा, एंगल ओ ओ क्यू पी एंड ओ आर पी आर द राइट एंगल. राइट एंगल क्या बेटा, यहाँ पर देखो 90 का बन रहा है, ये 90 का बन रहा है और ये 90 का बन रहा है, 10.1 के मुताबिक. हाँ, नाउ सो सिंपली राइट एंगल, बिकॉज दिस आर द एंगल बिटवीन द रेड आई एंड द टेंजेंट एंड अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 दे आर द राइट एंगल. नाउ राइट एंगल ट्राइंगल ओ क्यू पी एंड ओ आर पी, इनमें इक्वल क्या रहा है, दोनों दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या इक्वल आ रहा है, तो आप बताएंगे. देखिए थोड़ा मैं यहाँ पर इस तरह करके रखता हूँ इसे, देखिए ओ क्यू, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, क्या ये द रेड आई ऑफ द सेम सर्कल इक्वल है बेटा. ओपी इज इक्वल टू ओपी क्या है, कॉमन है, कॉमन है ये इनके इसमें दोनों ट्राइंगल में. ट्राइंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी एंड ओ आर पी, इनके कहेंगे बेटा राइट हाइपोटेनियस साइड, क्या कहेंगे हमें, राइट हाइपोटेनियस साइड, पाइथागोरस से बनता है ये ध्यान में रख लेना, ये 9 स्टैंडर्ड में इसके थ्योरम हम देख चुके हैं राइट हाइपोटेनियस साइड के. आगे देखिए स्टूडेंट, आप बोल सकते हैं हम पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, देखो दो तीन बातें हमें इक्वल मिलना चाहिए, देखिए इसकी एक रेडियस इक्वल मिल गई, एंगल इक्वल मिल गया, ओके, कॉमन पॉइंट इक्वल मिल गया,
हम बोल सकते हैं द पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो तीन बातें अगर हमें समान मिलती है, इक्वल मिलती है, तो समझ जाना जो लेंथ रहेंगी बाकी की भी वो भी कैसी रहेंगी, इक्वल रहेंगी बेटा। इतना समझ में आ गया आपको। और यहाँ पे आपको दिया गया सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होता है इसका अपोजिट पार्ट होता है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का, ये ध्यान रख लेना। इतना समझ में आया कि आपके स्टूडेंट्स? यस सर। चलिए एक्सरसाइज पे, आप थ्योरम तो नहीं है, चलो सर। यस सर। देखिए मैं एक पॉइंट उठाता हूँ, पहले एक काम करता हूँ, इतने पॉइंट उठा लेता हूँ। दो ही एक्सरसाइज सर इसमें? हाँ ये थोड़ी बड़ी है इसमें, आज जितने पॉइंट होंगे उतने लेंगे हम, बाकी का टुमारो लेंगे। समझ में तो आ रहा है ना आपके? चंद्रकांत? यस सर। यस सर। कृष्णा? यस सर। यस सर। यस। कौन कौन इसमें? अभिषेक, ऋषि, लेकर सौरभ, निदा। मैं नाम नहीं देख रहा, इसी अंदाज से नाम बता रहा हूँ, बोलेंगे सर हमारा नाम ले ही नहीं रहे। ओके ये देखिए थोड़ा क्वेश्चन, थोड़ा ये अलग ही था बेटा, 10.11 है अभी क्वेश्चन। देखो इसमें हम क्या करने वाले, क्वेश्चन सिंपल है, क्या बोला गया आपको देखो क्वेश्चन के अंदर। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू थ्री, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन जस्टिफिकेशन, ये एमसीक्यू में पूछा सकता है। फ्रॉम द पॉइंट क्यू लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, यहाँ पर हमें सर्कल बनाना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रख लेना। नाम ही उसका टेंजेंट के बारे में आ गया सर्कल के लिए, तो हम बना लेते हैं सर्कल, ये ध्यान में रख लेना। ये सर्कल हमने बना लिए, सर्कल बनाने के बाद में हमें इसमें करना है क्या है, ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया वन मिनट फ्रॉम द पॉइंट क्यू, देखो मैं हाईलाइट से बताता हूँ। फ्रॉम द पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू द सर्कल, लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें रेडियस निकालनी है, क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। तो आप एक काम करो स्टूडेंट्स, इस तरह की हम डायग्राम बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पर ये राइट एंगल बनेगा, ठीक है, और ये पॉइंट को यहाँ पर हम जोड़ लेंगे इस तरह, ये ध्यान में रखना है अपने। इसको नेम दिया गया है यहाँ पर, दे देंगे इसको, दे देंगे ओ, इसको दे सर उन्होंने डायग्राम दी थी ना, डायग्राम दी हुई है क्या? वेट हाउ बनाने के लिए क्या फायदा हमारे, किधर है डायग्राम, वो नीचे है क्या सर? वो तीन क्वेश्चन किए कि वो 10.11 नो नो अलग डायग्राम बेटा उसकी, नहीं सर वो अलग है, वो अलग है। ओपी स्टूडेंट्स इसको दे देंगे हम ओपी, ओके, और इसको दे देंगे क्यू। आप क्वेश्चन में क्या बोला गया देखो, फ्रॉम क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल 24 सेंटीमीटर, ये टेंजेंट से यहाँ से डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर हो गया, दे देंगे 24 सेंटीमीटर। और यहाँ पता है बेटा क्यू फ्रॉम द सेंटर इज, क्यू से सेंटर तक डिस्टेंस कितना रहेगा, 25 सेंटीमीटर। पूछा गया रेडियस, तो रेडियस हमें निकालनी है, रेडियस हमें निकालनी है। वी हैव यूज्ड द पाइथागोरस थ्योरम, बताओ पाइथागोरस थ्योरम कौन बताएगा स्टूडेंट्स? ओक्यू का स्क्वायर सर मैं बोलूं क्या? चलो इधर तो बेटा ओक्यू का स्क्वायर प्लस पीक्यू का स्क्वायर, यस स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पीक्यू स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, ओक्यू कितना है 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी कितना है 24 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 625 = 46 ऑप्शन नंबर ए 7 सेंटीमीटर। दो मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था बेटा ये एमसीक्यू वगैरह में, बजा फटाफट सॉल्व करने का और लगे आंसर लिखने का। समझ में आया आपके? यस सर। क्वेश्चन समझ में आया क्या? बोर तो नहीं हुए ना? यस। एक दो एग्जांपल ले लेते हो? यस सर। नो सर। हां एक दो एग्जांपल ले लेता हूं, तीन करता हूं कंप्लीट, बाकी के फिर बाद में लेंगे, चलेगा ना? दो तीन लो सर। यस सर। ले रहा ना, ले रहा बेटा।
देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास में स्टूडेंट्स, कार्तिक ये डायग्राम इसकी बेटा। यस सर। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए पूछा गया इन फिगर 10.11 टीपी एंड टीक्यू आर द टू टैंजेंट। देखिए पीटी एंड टीक्यू टू टैंजेंट ऑफ ए सर्कल सेंटर हो एंगल पीओक्यू, पीओक्यू ये 110 दिया गया बेटा आपको, देखो पीटीक्यू ये निकालना है हमें, पीटीक्यू ये निकालना। ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था 2 मार्क के लिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है देखो स्टूडेंट, आपको बताइए 90 है, ये 90 है, ये भी 90 है, ओके हमें ये निकालना है। एंगल सम प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे ये बेटा, तो आप इस तरह भी लिख सकते हो बेटा एंगल पी ओ क्यू, ये गिवन हमें मिला बेटा 110, ओके दूसरा एंगल हमें बेटा एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू टी, दोनों सेम इसलिए 90 डिग्री, ओके हमें फाइंड करना है टू फाइंड क्या निकालना है, टू फाइंड पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू ये हमें फाइंड करना है स्टूडेंट। तो चलिए हम फाइंड करते बेटा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी कैसी मिलेंगी, चलो तीन एंगल को ऐड करो, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी टी प्लस देखो एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360। देखिए एंगल समझ में आ रहे हैं आपके, देखिए मैं हाईलाइट से बता दूं, देखो पी ओ क्यू ये एक हो गया, ओ पी टी ये एक एंगल हो गया, ओ क्यू टी एक एंगल हो गया, एंड पी टी क्यू फाइंड करने के लिए बोला गया। चलो वैल्यू पुट करो, पी ओ क्यू कितना है 110, ओ टी पी कितना है 90, ये कितना है 90 प्लस पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू फाइंड करना है, स्क्वायर रूट लिखो 360। अगर हम इसकी एडिशन कर ले तीनों की 9 × 18 कितना आ रहा है 290, एंगल एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 स्टूडेंट, 290 को उधर लेके जाओ, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 माइनस 290 और एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री। और बेटा ये ध्यान में रखना है इसका ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी है, बी सिंपल क्वेश्चन है। यस सर सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, ओके चलिए टेक द स्क्रीनशॉट आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 इसकी डायग्राम दी गई क्या, नहीं है मेरे ख्याल से, देखिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, यू लिसन माई साउंड क्लियरली। यस सर। यस सर। ओके अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो पहले, ठीक है। इफ अ टेंजेंट पी ए एंड पी बी, दो टेंजेंट हमें बनाना है, पी ए और पी बी कहीं भी बनाओ, कोई साइड में ऐसा कोई टेंशन नहीं बेटा, मान लो एक टेंजेंट मैं यहाँ बनाता हूँ और एक टेंजेंट हम यहाँ बना लेते हैं, ये दो टेंजेंट बन गए स्टूडेंट, और इसको भी जोड़ लो, इसको जोड़ लो और इसको जोड़ लो, और यहाँ पर भी एक काम करो, इसे इसे एक तरह की लाइन जोड़ लो, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है क्वेश्चन में, क्या बता रहा है, पी ए एंड पी बी आर द टू टेंजेंट, तो हम इसको यहाँ ले लेते हैं स्टूडेंट्स पी, इसको ले लो बेटा ए, इसको ले लो बी। ये होने के बाद में हम करने वाले इसके अंदर क्या, यहाँ पर क्वेश्चन में पी पी टू द सर्कल सेंटर इज ओ, सेंटर को ओ ले लो, इंक्लाइन टू ईच अदर एंगल, इंक्लाइन का मतलब ऊपर जाना, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है बताइए वाला, पूरा एंगल 80 डिग्री का, कितना 80 डिग्री, ये ध्यान में रख लेना 80। तो मुझे एक बात बताओ
ये अगर 80 है तो ये कितना रहेगा, ये 40 रहेगा, ये 40 रहेगा। समझ में आया आपके? यस सर। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अब हमें क्या फाइंड करना है, पहले देखो स्टूडेंट, एंगल POA, POA ये एंगल फाइंड करना है POA का। तो पहले जो गिवन है इसको राइट कर लेते हम, फिर देखते क्या करना है। एंगल OPA कितना है, एंगल OPA या OAP? OPA सर। OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए बेटा OAP ये 90 का बन रहा है, 90 का बन रहा है, ध्यान रखना 90 डिग्री है स्टूडेंट। ओके, वो थ्योरम नंबर फर्स्ट। ओके, सो सिंपली एंगल OPA, मुझे एक बात बताओ OPA, ये जितना यार जो ट्रायंगल है ना OPA, ये किसके आधे है, किसका आधा है आपको बताएं? ये देखिए, ये इस तरह की लाइन बन रही है, ये A है बेटा, ये B है और ये P है। मान लो ये पूरा 80 है, कितना ये 80 है, इसको बाय परपेंडिकुलर बाय सेक्टर किया हमने, तो ये क्या हो गया बेटा, ये इसका मेन एंगल कौन सा होगा बेटा, APB का आधा कौन है, ये बेटा कौन, OAP आधा है, ये बात ध्यान रख लेना आपने, मैंने यही ड्रॉ किया यहाँ पर। ये जो ये वाला जो एंगल है ये हाफ है, किसके बेटा, एंगल APB के, ये बेटा ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो OPA इज अ हाफ ऑफ एंगल, क्या बोलेंगे, एंगल APB, हाँ APB, एंगल APB, चलो हाफ इंटू एंगल APB कितना है 80, कट करो इसे, तो एंगल OPA इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 40 आ गया, कितना आ गया 40 आ गया, एंगल 40 आ गया। अब यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पर यूज करने वाले एंगल सम प्रॉपर्टी, यूज करने वाले एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, काय में ओपी में। अब देखो बेटा ये 40 आ गया, ये वाला 40 है, ये 40 है, ये 90 है, अब हमें ये निकलना है, तो मैं शॉर्टकट में ले रहा हूँ बेटा, देखो एंगल ओ ए पी प्लस एंगल POA या तो POA देख लो अब एक बार, एंगल और एक बच गया हमारा, एक एंगल बताओ, OPA हो गया, OPA बचा है, OPA, हाँ OPA इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, OAP कितना है 90, POA निकालना है, एंगल POA निकालना है, प्लस ये कितना है 40, कितना बेटा OPA 40, एक बार देख लो, इज इक्वल टू 180, इनकी एडिशन करो ये आ जाएगा बेटा 130 प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 130 किधर लेके जाओ बेटा, एंगल POA इज इक्वल टू 180 माइनस 130, एंगल POA इज इक्वल टू कितना आया 50 आया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था बेटा, ध्यान में रख लेना, पिछले साल बेसिक में था कि स्टैंडर्ड में था, आई डोंट नो लेकिन था काय में, काय में। तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन हो गए सर। हाँ सर, वो क्वेश्चन में एक बार वो बताओ सर, एक बार विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू इच अदर, उसका मतलब क्या है? अच्छा यहाँ क्वेश्चन है बेटा, ये कह गया देखो, पी टू द सर्कल विद द सेंटर ओ, सेंटर ओ आर इंक्लाइन, देखो एक होता है डिप्रेशन है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखे थे, एक होता है इंक्लाइन पोजिशन यानी ऊपर जाना, यानी इसकी पोजिशन बेटा, देखो एक होता है डिप्रेशन, एक होता है इंक्लाइन, इंक्लाइन मतलब इस तरह ऊपर बढ़ना, ऊपर बढ़ना दिख रहा है बेटा मार्कर से, दिख रहा है इंक्लाइन का मतलब ऊपर होना, ये ध्यान में रखना है, यहाँ से वो ऊपर जा रहा है, ओके इंक्लाइन पोजीशन, नॉट ए डिप्रेशन, ओके तो इंक्लाइन का मतलब था ओ आर द इंक्लाइन टू ईच ऑफ, ओके ये इंक्लाइन होता है बेटा, तो आज इतना रहने दो, समझ में 80 डिग्री पे, समझ में आया बेटा इतना? यस सर। अब यस सर, यस सर, कल दो सेशन में ये पूरा दो सेशन में सब एंड कर देंगे कल, समझ में आया क्या, बड़े बड़े क्वेश्चन चैप्टर, हाँ यस सर, बैठना तो पड़ेगा ना, जब हम ईमानदारी से करना है तो फिर उसके लिए काय के लिए करना है, और इसके लॉन्ग देखो यस सर, अभी क्या है कुछ दो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो वो छोटे छोटे क्वेश्चन अगर देखो कम से कम 12 क्वेश्चन है, 12 में से 3 हो गए, कितने बचे, 9 बचे सर, 13 क्वेश्चन है, तो ले लेंगे ना बेटा, उसमें 3 हमारे शेड्यूल क्यों नहीं होते, 10:30 क्यों नहीं बचते हमें, कल ले लेंगे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आज इतना रहने दो बेटा, अपने जो बाकी के जो कौन कौन है इसके अंदर, एक बार देखने तो मुझे